अगर मैं आपसे बात करूं 2018 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन फोन कौन सा है, या फिर 2019 चल रहा है अभी अभी तक का अंडर 20,000 रुपीज के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, क्या आप जानते हैं कौन सा फोन है और मैं कौन सा फोन की बात कर रहा हूँ? हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एक फोन जिसमें आपको कैमरा से लेकर बैटरी से लेकर आपको प्रोसेसर तक सब कुछ एक कॉम्प्लीट पैकेज मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi का जो साफ ब्रांड है पोको के बारे में। जी हाँ, 2018 में अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रांड है, जैसे Asus को ले सकते हैं आप, या फिर आप ओप्पो का जो साफ ब्रांड है Realme को आप ले सकते हैं। इन सभी ब्रांड अपने अपने वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ोन Asus ने भी लॉन्च किया है, जैसे आप Asus Mac Pro M1 को ले लीजिए और हाल ही में लॉन्च हुआ M2 को ले लीजिए, या फिर आप Realme 1 जो पहले आया था उसके बाद Realme 2 Pro, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड आया उस टाइम पे। और उस समय Xiaomi ने जो पहले से ही 2017 से ही एक इंडिया जो फ़ोन के मार्केट में है उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भूचाल ला दिया था। उस समय Xiaomi ने एक साफ ब्रांड लॉन्च किया पोको, और जिसका फास्ट स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया पोको A1 नाम का। तो पोको A1 में एक चीज़ जो सब चौंका दिया था सबको उस टाइम पे, खास करके वन प्लस को भी, क्योंकि पोको A1 में आपको 21,000 में मिल रहा था स्नैपड्रैगन 845, और स्नैपड्रैगन 845 देने की वजह से एक अलग प्रमोशन भी पोको A1 को मिल गया था। कई लोगों का मानना ये भी था शायद स्नैपड्रैगन 845 दिया है सिर्फ 21,000 रुपीज में, तो इसके लिए शायद कैमरा या फिर दूसरे जो सेक्शन है उसमें शायद कुछ खामियां निकल के आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कैमरा की अगर बात करें वो भी सुपर क्वालिटी का पिक्चर आप ले पाएंगे पोको A1 से। बैटरी बैकअप की बात करें तो उसमें भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं 2018 का अगर मैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी सेक्शन में देखूँ तो पोको A1 बेस्ट फ़ोन है, और 2019 नया साल चढ़ा है अभी तक का अंडर 20,000 रुपीज़, क्योंकि उस फ़ोन का 21,000 रुपीज़ प्राइस था और अभी 20,000 रुपीज़ यानी 19,999 रुपीज़ अंडर 20,000 रुपीज़ के अंदर ये फ़ोन आपको फिलहाल मिल रहा है, वो भी फ्लिपकार्ट पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, या फिर आप फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट भी जाके आप पोको ये फ़ोन सर्च करके वो फ़ोन आप खरीद सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ जो इस फ़ोन को दूसरे और फोन से अलग करता है, तो सबसे पहली बात तो इसमें अगर हार्डवेयर को देखें स्नैपड्रैगन 845 जिसमें कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, हाई टॉप रेटेड प्रोसेसर है जो 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है, कोई सर आपको फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलता है। अगर मैं कैमरा की बात करूं तो इसमें 12+5 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा दिया गया है जो आता है F1.9 और F2.0 एपर्चर के साथ, और सामने 20 मेगापिक्सल का F2.0 एपर्चर के साथ आता है फ्रंट कैमरा दिया गया है। सामने और पीछे दोनों ही फोन में आपको अच्छे पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलता है, एज डिटेक्शन भी अच्छा खासा कर लेता है, और अभी तो आपका गूगल कैमरा का भी सपोर्ट आपको पोको फोन में मिलता है। तो कैमरा जो पिक्चर क्वालिटी है वो गूगल कैमरा से अगर आप लेते हैं उसमें और भी निखर के आता है। और उसके साथ ही जो और मेन एक हाईलाइट मुझे लगा जो दूसरे फ़ोन से पोको फोन को अलग करता है वो है इस फ़ोन का IR का सपोर्ट। जी हाँ, फ्रंट कैमरा के पास में ही IR दिया गया है जिसमें आप अगर डार्क प्लेस में है उसमें भी आपको फेस अनलॉक अच्छी तरीके से काम करेगा। अभी अगर मैं बैटरी सेक्शन पे जाऊँ तो वहाँ पे आपको 4000 mAh के बैटरी दिया गया है जो उसका आप क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करने की वजह से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप फुल चार्ज कर पाएंगे। USB Type-C का सपोर्ट आपको इस फोन में मिलता है। दूसरा जो अलग फीचर्स इसमें दिया गया है जो दूसरे फोन से अलग करता है अंडर 20,000 रुपीज के अंदर, वो है इसका लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसके मुताबिक आप अगर हाई एंड गेम प्ले करते हैं चाहे वो PUBG ले लीजिए Fortnite ले लीजिए, उसमें जो हीटिंग इश्यू होता है फोन में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी रहने की वजह से जो हीट होता है वो थोड़ा कम होता है इसमें, तो उसमें भी हीटिंग इशू को भी कंट्रोल करने का क्षमता इस फोन में है। इस फोन की डिस्प्ले की बात करूँ इसमें आपको 6.18 इंच का आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है आपका 18:7:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। में आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो नॉच दिया गया है वो iPhone 10 की तरह है, बड़ा नॉच दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो इस नॉच को हाइट भी कर सकते हैं, सेटिंग में उसका ऑप्शन दिया गया है। इसमें अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो इसमें आपको फिलहाल Android 9 सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू दिया गया है, यानी Android 5 आप
एंजॉय कर पाएंगे इस फोन में। अगर सिक्योरिटी अपडेट की बात करें मंथली, तो मैं 4 महीने से इस फोन को यूज कर रहा हूँ। अभी तक मुझे सिक्योरिटी अपडेट 2 महीने का मिला है, और कुल मिला के अगर देखें ओवरऑल जो MIUI अपडेट से लेकर मुझे 5 से 6 अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, और जो मेरा लास्ट अपडेट गया था वो था एंड्रॉयड 9 का, यानी एंड्रॉयड पाई का। सो एंड्रॉयड पाई का अपडेट के बाद थोड़ा बहुत बग्स अभी भी है फोन में, शायद आशा करता हूँ कि नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसमें वो सॉल्व हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा मोटा बग्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा अगर चीज देखे तो ये फोन 3 कलर वेरिएंट में आता है, जिसमें आपको स्टील ब्लू कलर ऑप्शन मिल जाता है, अभी तो आप रोजो रेड कलर का भी आप ये फोन ले सकते हैं, और उसके साथ ही ग्राफाइट ब्लैक जो पहले से ही है वो भी आप ले सकते हैं। तो 20,000 रुपीज के अंदर एक बेस्ट डील मैं कहूँगा अभी तक का, जिसमें आपको अच्छे हार्डवेयर मिलता है, अच्छे सॉफ्टवेयर भी मिलता है, और उसके साथ ही कैमरा की बात की जाए, बैटरी की बात की जाए, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो ओवरऑल देखा जाए एक कंप्लीट पैकेज मुझे लगता है ये फोन है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही दूंगा, आप उस लिंक पे जाके भी इस फोन को परचेस कर पाएंगे या फिर देख पाएंगे। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है, जो घंटा है, उसमें जरूर क्लिक कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो डालूंगा अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और उसके साथ ही मेरा दूसरा चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। अगर आप गेम्स और ब्लॉग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ही दूसरा चैनल है वो संदीप मजूमदार जिसका नाम है। अच्छा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Oh.